फतेहपुर सीकरी में जहाँ का मुर्गा बाजार और हम आज क्या करने वाले हैं, आप देखते रहिए। उसके बाद में दरगाह जाए, ये बंद है अंदर पानी का टैंक है, वहाँ पर लोग अपना है। अच्छा, फूल लोगे दरगाह शरीफ के लिए आप लोग? ये मेन गेट है बुलंद दरवाजा, जो एशिया का सबसे बड़ा गेट है। गेट का हाई रूप से लेकर टॉप तक 54 मीटर है, प्लेटफॉर्म से 36 मीटर। इसका जो चौड़ाई है वो 90 फुट का दिया गया है। तीन साइड में राइटिंग ऑफ कुरान, तीनों साइड में सैम टू कॉपी ताजमहल, जैसे ताजमहल पर देखा है ब्लैक स्टोन से उसका कॉपी किया गया है, लेकिन ताजमहल से 100 साल पुराना बिल्डिंग है। पहले ये बनो उसके बाद में ताजमहल, ताजमहल 350 साल पुरानी बिल्डिंग है, 450 साल। ये अकबर और अकबर के बेटे जहांगीर ने बनाया, ताजमहल अकबर के ग्रैंडसन शाहजहां ने। इसका जो सीढ़ियाँ हैं 52 स्टेप से 52। ये प्लेटफॉर्म जो है अंदर से खाली है, बोलो एम्प्टी। ब्लर वाइज सपोर्ट ब्लर पे बुलंद दरवाजे को खड़ा किया गया है, जैसे ताजमहल नदी के किनारे लकड़ी पर टिका है उसी तरह ये ब्लर पे टिका हुआ है। और ऐसा कि आप लोग देख रहे हैं जंगल के अंदर ये बाउंड्री दिया गया है टूटा हुआ, वो सारा इसी किले का बाउंड्री है। सिटी वॉच अकबर ने इस बाउंड्री के अंदर में 9 गेट दिए, ताकि हम पब्लिक के लिए अपने लिए, जिस गेट से आपका गाड़ी पार्क हुआ आगरा ही गेट बोलते हैं उसको, यहाँ से अकबर आया जाया कर। अकबर नाल देख रहे हैं, सारे घोड़ों के नाल हैं, जिस किसी का घोड़ा बीमार होता है इसमें हार जाता है वो दरगाह जाते हैं विश करते हैं, उनका घोड़ा ठीक हो जाता है। मार्केट से नए नाल लकड़ियाँ ठोक देते हैं यादगारी के लिए, आज भी ठोकते हैं। ऊपर में 2 बड़े नाल लगे हैं, अंग्रेज के घोड़े के नाल है, इतना बड़ा घोड़े का पाँव नहीं था, इतना बड़ा घोड़े का नाम था, ब्रिटिश लॉर्ड करता नाम की वजह से साइज बड़ा किया गया। अंग्रेज का घोड़ा बीमार हुआ उसने भी विश किया था, जब उसका घोड़ा ठीक हो उसकी यादगारी के लिए 2 बड़े नाल लगाए। ये नाल सन 1905 के लगाए गए, 1905। व्हाइट वाला बिल्डिंग है, दरगाह है बाबा सलीम चिश्ती का, अकबर के गुरु साहब का दरगाह है। इनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ जहांगीर, अकबर ने उस खुशी में सारा किला बनाया था। आज भी लोग यहाँ मन्नतों के डोरे बांधते हैं, जो भी लोग मन्नतें करते हैं वो आज भी 100% पूरा होता है, और मन्नत पूरी होने के बाद में दोबारा धागा खोलने के लिए वापस नहीं आना पड़ता है। घर पर गरीब लोगों को खाना बांट देते हैं। सामने जो बिल्डिंग है जमा मस्जिद मॉस्क के, नमाज पढ़ने की जगह, मस्जिद का हाइट 80 फिट का, सैम नकल दिल्ली का, जैसे दिल्ली में देखा है ना जमा मस्जिद, उसका कॉपी किया गया है, लेकिन उसमें मीनारा है, इसमें मीनार नहीं है। ये गेट है सामने रॉयल गेट, किंग्स गेट, और जिस गेट से आप लोग आए हैं उसको बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने आने जाने के लिए 2 गेट दिया, बुलंद दरवाज़ा बादशाही दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा दिया आम पब्लिक के आने जाने के लिए, बादशाही दरवाज़ा अपने और अपने फैमिली के लिए। तो अभी आप देखेंगे जामा मस्जिद अंदर एन पार्ट है। ये लैंप जो है सामने अकबर बादशाह के टाइम में सोने का था, गोल्ड का, अंग्रेज लोग आए सन 1905 में निकाल कर ले गए, पीतल तामे का है यादगारी के लिए, मेमोरी। इसके तीन साइड में जो देख रहे हैं राइटिंग ऑफ कुरान लिखा हुआ है, तीनों साइड में सोने का पानी पड़ा है, गोल्ड वाटर। ऊपर में जो पेंटिंग दिया गया है वो इसको बोला जाता है दीनी इलाही पड़ा होगा। इस साइड में जो है गया है क्रिश्चियन के लिए, जैन जो लड़का है इसको क्रॉस मानते हैं। अकबर ने 3 शादी की, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, पहली वाइफ महारानी रुकैया बेगम, मुस्लिम तुर्की के रहने वाली, दूसरा नाम तुर्की सुल्ताना, दूसरी बेगम महारानी मरियम क्रिश्चियन गोवा के रहने वाली, तीसरी महारानी जोधाबाई हिंदू जयपुर राजस्थान के रहने वाली। अकबर तीनों धर्म को मानते थे, तीनों धर्म से शादी की, तीनों धर्म को मस्जिद के अंदर एक किया। सन 1582 में फतेहपुर सीकरी से स्टार्टिंग किया था अकबर ने दीन इलाही धर्म। मस्जिद के जो गेट बने हैं ये 6 गेट हैं, देखने में लगते हैं छोटे बड़े लेकिन सब एक ही साइज है, सेम साइज, यहाँ का आर्किटेक्चर। और जो ऊपर नीचे में दिए गए हैं ये लेडीज लोगों के नमाज पढ़ने की जगह है। अकबर टाइम लेडीज यहाँ नमाज पढ़ती थी जैन सुधर में, इधर में लेडीज इसलिए क्योंकि लेडीज लोग पर्दे में रहे, उस टाइम का पर्दा सिस्टम बनाया था ये अकबर। सामने जो खुशी का महल, अभी जो बाहर से दरगाह देखी है ना आप लोगों ने बाबा सलीम चिश्ती का, उनके फैमिली के लोग आज भी जिंदा हैं, सोल में पीढ़ी चल रही है, रईस में चिश्ती उनका नाम है, वो उस बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ कोई अलाउड नहीं है। यहाँ पर 2 दिन आते हैं, एक फ्राइडे वाले दिन आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और एक थर्सडे वाले दिन आते हैं सारी चादर उतार कर गरीबों में बांटते हैं। ये ऊपर नीचे में देख रहे हैं सारा, ऊपर सैनिक लोगों के खड़े होने की जगह थी। सीकरी को अपनी राजधानी घोषित की। फतेहपुर सीकरी में पानी की बहुत कमी थी, उसी के चलते
अकबर ने सिर्फ 15 साल के बाद अपनी राजधानी आगरा में शिफ्ट करवा दी। फतेहपुर सिकरी में सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा है। उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए लगभग 52 सीढ़ियां चढ़ने पड़ते हैं। बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात के ऊपर जीत हासिल करने के बाद उसकी याद में बनवाया था। तो दोस्तों, आगरा के इस फतेहपुर सिकरी को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। हमारा वीडियो दरगाह के बारे में स्पेंड कर देता हूँ क्योंकि गुरुजी की दरगाह पर लोग कर नहीं जाते। सो सबसे पहले जिस गेट से अभी आप लोगों ने अंदर एंट्रेंस किया है, ये इसका बादशाह गेट यानी रॉयल एंट्रेंस। इसी गेट से पर एंट्री करते थे फ्राइडे के दिन यहाँ नमाज पढ़ने के लिए। सामने फतेहपुर सीकरी का जमा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ आदमी नमाज होता है फर्स्ट टाइम, लेकिन नमाज के टाइम पर अंदर कुछ नहीं, नमाज के बाद ही आप मस्जिद को। इस सही को जो बड़ा वाला गेट